आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आप सब देख रहे हैं क्यूट बेबी सेनप की पाठशाला। तो आज हम करने वाले हैं दो DIYs जो होने वाले हैं इस जार के और ये वाला जो कप है, जो नॉर्मली जो लोग ज्यादातर ऑनलाइन चीजें मंगा खाना मंगाते हैं तो उसमें ये वाला हमने लिया है। और ये है सेजवान की जार, इसको मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से। और इस वीडियो में हमें लगने वाला है ये स्पॉन्ज, एक्रेलिक पेंट, एक ब्लैक कलर का पेंटिंग चाहिए हमें और कुछ ग्लिटर शीट जो होते हैं स्टिकेबल। आपको नॉर्मल लेना है तो आप नॉर्मल भी ले सकते हो। ये थोड़ा सा महंगा होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है पेपर इवन फोम शीट है ये, और ये स्टिकेबल होता है। जो नॉर्मल होता है वो स्टिकेबल नहीं होता है, आपको उसको ग्लू से चिपकाना होता है। हमने इधर स्टिकेबल लिया है। तो फर्स्ट हमें चाहिए होगा ये जार, और ये जार को हम पहले पेंट कर लेते हैं। इस कलर से हम पेंट करने वाले हैं और मैं इसे पूरा कलर करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस ये मैं स्पॉन्ज से ये वाला कलर कर रही हूँ, तो मैं आप सबको कलर करने के बाद मिलती हूँ। तो गाइस मेरा ये ब्लैक कलर का पूरा करके हो चुका है और इसमें हमें चिपकाना होगा ये शीट्स। तो मैं चिपका लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कैसे चिपकाना है। नहीं, इसे सूखने देना पड़ेगा अभी थोड़ी देर तक, मैं भूल गई थी सॉरी। इसे अभी थोड़ी देर तक हम सूखने देते हैं, तब तक आपको मैं एक और जो था मेरा दूसरा वाला जो कप था जिसमें मेरे को करना था वो दिखाई। आप देख सकते हो थोड़ा मैंने इधर कर चुकी हूँ। मैं यही पैटर्न में आपको ये वाले जहाँ पे भी करना है तो अभी ये हम कर लेते हैं। चलो देखो गाइस ये जो होता है ना शीट, इसे हमें निकालना है। तो गाइस मैंने इधर इतना कर ली हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। अभी इधर मैंने ये देखो एक ऐसा चिपका है। अभी ऐसे एक दूसरा कोई कलर लेके मैं अभी इधर लगाती हूँ। इस अभी मैंने इधर ऐसे एंगल में लगा दिया, इधर सीधे एंगल में होगा। मैं इसका पील कर लेती हूँ उसको। इसे ना ये स्टिकेबल होता है, लाइक जिस होता है देखो। ये मेरे हाथ में आ नहीं है ये, ठीक है। और जो ये जो बना रहे हैं ना हम, इसको जो ना एकदम परफेक्टली बनाना पड़ता है क्योंकि इसका जो मेजरमेंट है, लाइक अभी इधर देखो जितना गैप छोड़ा है ना उतना ही गैप इधर भी छोड़ना होगा, वरना फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो गाइस मैं ये कर लेती हूँ, ठीक है। तो गाइस देख लो हो चुका है पूरा। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनकर आया है। गाइस प्लीज़ ये ट्राई करना। और अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले आर्ट के ऊपर, वो बॉटल वाला सेजवान शॉस का जो बॉटल था, तो मैं वो लेके आ जाती हूँ। तो गाइस मैंने ये वाला पूरा कलर करके रख दिया, मैंने वो पहली क्लिप में बता दिया था। इसको मैंने एक्रेलिक पेंट किया है और यहाँ पे मैंने दो पहले से स्टिक करके रखे आपको दिखाने पे। इसको भी सेम ही तरीके से करना है, बट ये सीधा है, वो थोड़ा सा सर्कल टाइप का था, तो हम इसको चिपका लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अभी येलो और पिंक को है तो अभी मैं ब्लू रेड चिपकाती हूँ। चलो रेड कलर का हम चिपकाती इधर रखा है मैंने, रेड मिली देख लेते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसी पॉट में मैंने रखा है, ये पॉट गिरने वाला था जस्ट। देखो मैंने ये भी चिपका लिया, ऐसे ही मैं ब्लू कलर का चिपकाऊंगी इधर। हम पहले ऊपर की लाइन करेंगे, मैं नीचे की लाइन करेंगे। गाइस ये आप ऐसे ही पैटर्न्स में अलग अलग कैसे आपको जैसे लगाना है, बट बीच में गैप होना चाहिए जिसमें ब्लैक कलर का दिखे। तो अगर आप इसमें लाइट भी रखोगे तो वो ब्लैक कलर से दिखेगा थोड़ा बहुत। और मैं ये लगा लेती हूँ। तो गाइस मेरा थोड़ा हो चुका है, देख लीजिए। ये देख लो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यही आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं, इसमें फेरी लाइट्स या आप अपना जो भी थिंग्स आपको रखना है, लाइक ये होल्डर भी बन सकता है, पेन होल्डर, आपके जो भी सामान होते हैं क्राफ्ट के वो रख सकते हो। तो आप ये बताना कमेंट्स में ये दोनों आपको कैसे लगे। ये है मेरा फाइनल लुक और मैंने इधर कुछ डिटेल्स ऐड करी और इस तरीके में है। गाइस ये है मेरा फाइनल रिजल्ट, दिस लुकिंग वेरी प्रिटी। और इसे हमें अभी नीचे नहीं रखना है क्योंकि मैंने इधर पेंट किया, सूखने देना है। और आपको जो भी चीज़ करना है, इसमें जो भी रखना है आपको, लाइक मल्टीपर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने इधर जो है, इधर ये जो डिटेल्स है ना वो मैंने मेरे फिंगर से बनाई है। और ये डिटेल्स आपके कोई भी, मतलब अगर वो काट कर होगा तो भी चलेगा। आप अगर आपके कोई भी कंटेनर में करना है आपको तो आप कर सकते हो। तो दूसरा वाला मैं आपको बताती हूँ, ये है मेरा दूसरा वाला, मैं इसको क्योंकि अगर ये मैंने सीधा रखा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये है मेरा पॉट, जो दूसरा पॉट टाइप है, और इसको भी मैंने इधर डिटेल आती हूँ येलो कलर से। और ये कलर मैं आपको बता देती हूँ फेविक क्रिल का, फर्स्ट में भी बताया था। और ये आप यूज़ कर सकते हो, लाइक इसमें जो भी आपको रखना है, स्टेशनरी आइटम्स, पेन या फिर कलर्स या फिर बहुत सारी चीज़ें तो यूज होती है। लाइक हमारा कमेंट में ये दोनों इतने क्यूट से एंड फंकी टाइप जो है, ये आपको कैसे लगे। Like, share, subscribe my channel. Cute babies and happy pachala. Bye.